हाय एवरीबॉडी, आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग. मुझे लग रहा है बहुत टाइम से मैंने कुछ जेन्युइनली अपने दिल से यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाया है. एंड दिस इज आई थिंक द वीडियो दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर, द बर्थ स्टोरी. मुझे बहुत 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 अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने बहुत कुछ ज़्यादा शूट करना चाहा, बट पॉसिबल ही नहीं हुआ. बिकॉज यू विल सी आगे कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि इस दिन पे या एटलीस्ट इस वीक पे बेबी बॉर्न होगा, उस वीक पे हुआ ही नहीं, उससे बहुत पहले हुआ. सो एवरीथिंग हैपेंड इन सच अ जिफी दैट आई कुड शूट, बट आई डिडंट रियली शूट सो मच. और इवन बर्थ स्टोरी, अगर आप मेरी बर्थ स्टोरी आगे जाके आप तो सुनोगे, इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल टू यू नो, बिकॉज सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि शूट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था. बट थोड़ा बहुत जो फुटेज है मेरे पास, जो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दैट विद यू गाइज. सो कीप वॉचिंग. ओके, टूडे इज द 8th of August. द बेबी इज 1.5 months ओल्ड एंड वी आर कटिंग बैक ऑन टू 19th of June. 19th of June को क्या हुआ था? हम लोग एक्चुअली एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे डॉक्टर के पास, एक नॉर्मल चेकअप, बिकॉज बेबी एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक जुलाई में आने वाला था या थी. बट जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने, और उस दिन मैंने अपना पूरा योगा किया था, 1 घंटे का मैंने क्लास किया था इन द मॉर्निंग. हमारा जो अपॉइंटमेंट था वो 1 बजे का था, तो 10:30 से 11:30 बजे मैंने पूरा क्लास किया था अपने योगा का. और जब मैं कर भी रही थी क्लास, मुझे लगा कि आज मुझे थोड़ा एक दो यू नो मूवमेंट्स में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. और जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें कहा कि एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम ऑलरेडी 3.5 सेंटीमीटर्स डायलेटेड हो. और हम आ गए शॉक में. वहाँ से हम घर गए, हमने ऑलरेडी मतलब पैकिंग तो कर चुके थे हम, लेकिन वहाँ से एग्जैक्टली लेट्स पैन टू दैट के व्हाट हैपेंड पोस्ट दैट. ओके, लेट्स गो. हाय गाइज, व्हाट्स अप? आई हैव सम रियली बिग न्यूज़ यूट्यूब के लिए. अभी ने डाला, we had gone to the doctor for a checkup and he told me I'm already 3.5 centimeters dilated. He's asking me, आपको कैसे पता नहीं चला? I said, I don't know, maybe it's the exercise I'm doing. But anyway, now I've just had a bath. I'm going to eat some lunch and we're going to get admitted today. So, I don't know how much I can show you guys, but I'll try. Adi, it can happen anytime. Tell us your experience in the hospital. We've not gone to the hospital yet. No, sorry, to the clinic. Nothing. But Atul said you had to get admitted right now. Hey, second. It was a shock. I was like, right now? No signs. No, she's not crying. She's not nothing. Water's not broken. How are you saying right now? I said, no, you have to go right now. So you're going right now. Are you excited? Of course I am. But don't you think I'm a very strong wife? Yeah, very strong wife. Nothing. Atul had her, you know, beatings also on me, so I know she's a very strong way. Let's go. Yeah, my hospital bag ready hai, baby bag ready hai. Mera Shivji aayega mere saath bag mein. Nahi. Abhi kuch. Aise main behave kar rahi hu jaise I am going for a party. Pura baal baal straight karke 3.5 centimeters ka dilation ho chuka hai. Lekin mere ko yahan baal straight ki padi hai, dekho to. But I want to be very cool and I want to be very strong and we are leaving in 10 minutes. ऐसे रखो कि थोड़ा curl भी करो. अब तो आप लोग ही मुझे मारोगे, छोड़ो. We are leaving, guys. See you soon. Samyo, bye. क्या क्या? I love you. You're always gonna be my baby. Mama loves you, बच्चा. Mama is going bye bye, okay? Mama will come back after some time. Adi and my help have gone down to get the bags. थोड़ा pain हो रहा है, manageable है. It's hurting a little bit, but
आई हैव टू कीप माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग, आगे बहुत कुछ होने वाला है, सो इसमें मैं डर नहीं सकती, आई हैव टू बेयर ऑल दिस मेमोरीज. आर यू एक्साइटेड? कुछ खास नहीं है इसमें. तो फिर तू ऐसे बोल रही है तो क्या? आई जस्ट वांटेड टू अपडेट यू गाइस दैट आई एम स्टिल, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं बट इट्स बेरेबल. So if everybody is trying to scare the existing mothers out there, it's all here guys. Sab idhar hai. If you tell yourself that you can do it, then you can do it. Abhi pata nahi ek ghante mein meri kya halat hogi. As of now, you want to say something daddy to me? Sab yahan hai. Okay guys, I'm back. Itna toh maine aapko dikhaya ke is exactly admission kaise hua, kya hua us din, ye whatever. But I didn't show you anything more. I didn't show you के मैं उस समय के बाद क्या हुआ, वो सब मैंने शूट नहीं किया because like I said बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था. But I am going to tell you the rest of the story, so please keep watching. Hi everybody, how are you? मैंने बहुत सोचा था कि मैं you know I'll vlog the whole birthing experience and this and that, but इतना सब कुछ हो गया that I was not able to do anything. तो मुझे लगा कि लेट मी कम हियर एंड एटलीस्ट फिल यू इन कि क्या हुआ था उस दिन. थोड़ा बहुत तो मैंने शूट कर लिया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ. आज है 22nd ऑफ जून. लास्ट मैंने शूट किया था 19th को जब हम लोग हॉस्पिटल आए थे. उसके बाद बहुत कुछ हुआ ऑब्वियसली एंड हियर वी आर विद अ बेबी बॉय. अभी वो नहीं है यहाँ पर, ही इज़ गॉट अ लिटिल बिट ऑफ जॉन्डिस. तो वो यहाँ पे सोता है ये लाइट के नीचे. अब उसको स्पंज बाथ के लिए लेके गए हैं तो मुझे लगा लेट मी क्विकली मेक अ वीडियो एंड अपडेट यू विद व्हाट्स हैपनिंग. सो बेसिकली क्या हुआ, सॉरी कैमरा मूवमेंट्स जर्की है. सो बेसिकली क्या हुआ था कि मुझे वो लोग एपिड्यूरल के लिए लेके गए थे एंड वी वर गोना हैव अ नॉर्मल डिलीवरी. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी राइट. एपिड्यूरल के बाद मुझे थोड़ा सा हाइपर टेंशन हो गया तो ऑल माई लिम्स स्टार्टेड शेकिंग, लाइक माई हैंड स्टार्टेड शेकिंग लाइक दिस, माई लेग स्टार्टेड शेकिंग एंड बिकॉज ऑफ द शेकिंग आई गॉट अ वेरी हाई बी पी. माई बी पी बिकेम एक्सट्रीमली हाई, 191 तक शूट अप हो गया था और दैट टाइम आई वॉज ओनली अबाउट 5 centimeters dilated. तो 191 हुआ और मेरा डॉक्टर थोड़ा सा डर गया कि ये क्या हो रहा है, इसका शिवरिंग बढ़ रहा है, इसका हाइपर टेंशन बढ़ रहा है, इसका बी पी बढ़ रहा है. तो ही जस्ट हेल्ड मी, आई नेवर फॉरगेट दिस. उसने मुझे ऐसे पकड़ा, उसने मुझे ऐसे यहाँ पे किस किया हिज अंकल और उसने मुझे बोला सॉरी बच्चा, वील हैव टू डू अ सी सेक्शन बिकॉज तेरा बहुत बीपी बढ़ रहा है. इस वजह से वो लोग, और तब तक तो मेरे कॉन्ट्रैक्शंस भी शुरू हो गए थे. आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शंस. आई नो कि एपिड्यूरल के बाद थोड़ा पेन कम हो जाता है लेकिन उतना टाइम हुआ नहीं था. जैसे ही एपिड्यूरल मुझे उन लोगों ने दिया आई स्टार्टेड शेकिंग. तो यू नो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो. आई नो दे ट्राई देयर बेस्ट टू डू अ नॉर्मल बट बिकॉज वो शेक हो रहा था, वो बी पी हाई हो रहा था तो आई डेंट गिव एपिड्यूरल एनी टाइम टू वर्क ऑन मी. तो क्या हुआ था कि मेरे कॉन्ट्रैक्शंस ऑलरेडी इतने हो चुके थे, इतना मुझे दर्द हो रहा था और फिर तो इन लोगों ने सी सेक्शन का डिसाइड किया तो जल्दी जल्दी मुझे नीचे लेके गए एंड आई हैड टू बी रश डाउन टू द ओ टी एंड दे डिड अ सी सेक्शन. अब इसके पीछे भी एक कहानी है. कोई आया है? यस, हाँ देव गॉट द बेबी बैक. स्पंज बाथ हो गया इसका? ओके परफेक्ट. तो एनीवे तो ये सब हुआ. फिर नीचे दे टुक मी फॉर अ सी सेक्शन
और जैसे ही उन लोगों ने मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए थे, आई थिंक दे गेव मी सम इंजेक्शंस के कॉन्ट्रैक्शन का पेन थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं एक्चुअली चला ही गया था. आई कैन शो यू गाइज द बेबी, सो सॉरी बट ही इज वेरी क्यूट. हाय बाबा, हाय मेरा बच्चा, ना शांत बच्चा, इतना क्यूट है, कांट टेल यू, आई शुडंट से दिस अबाउट माय ओन चाइल्ड. एनीवे, तो उसके बाद क्या हुआ ना, इन लोग ने जैसे मेरे लोअर बॉडी को नम करते हैं ना सी सेक्शन के टाइम पे, तो नम योर लोअर बॉडी, तो मुझे डॉक्टर ने पूछा, एक ठंडा सा कुछ मेरे हैंड पे लगाया और डॉक्टर ने पूछा ये तुम्हें ठंडा लग रहा है, मैंने कहा हाँ. चेस्ट पे लगाया, मैंने कहा हाँ. लेग्स पे लगाया, मैंने कहा नहीं, मुझे फील कुछ नहीं हो रहा है. दे वॉन्टेड टू सी कि मेरा बॉडी नम हो चुका है कि नहीं. फिर उन लोगों ने वही चीज़ मेरे पेट पे लगाया, मैंने कहा मुझे फील हो रहा है बट इतना नहीं. तब क्या हुआ, डॉक्टर कट मी, जैसे उन्होंने कट किया मुझे पूरा फील नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फील हुआ. तो जैसे ही उन्होंने मेरे पेट पे लगाया, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ है, आई मीन व्हेन दे कट मी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आई कैन फील दिस, मतलब पेन नहीं हो रहा था, सेंसेशन हो रहा था, थोड़ा सा हर्ट हो रहा था मुझे थोड़ा सा. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसका हर्ट थोड़ा सा, उसका पेन बढ़ रहा है, लाइक शी कैन फील द कट ऑन द स्टमक, सो आई विल डू, आई मीन उन्होंने मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया. तो आई जस्ट थिंक आई वेंट थ्रू एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्शंस हुआ, एपिड्यूरल हुआ, और पीपल वुड गो थ्रू इन अ नॉर्मल डिलीवरी, एंड सी सेक्शन भी हुआ. तो मुझे लगता है कि मेरे साथ तो सब कुछ हो गया है. एंड व्हेन आई वोक अप, नोबडी वाज अराउंड मी, मतलब एक नर्स थी. द बेबी वाज बॉर्न ऑन 9:19, आई वोक अप एट 12:30 आई थिंक. मैं 12:30 को उठी एंड आई वाज लाइक मेरा बच्चा कहाँ है. I didn't even see the साइट कि उन्होंने बच्चा निकाला मेरे पेट से, जो सी सेक्शन में अक्सर मॉम्स कैन सी. मेरा तो कुछ और ही हो गया. फिर उन्होंने बोला कि बेबी बॉय है, उसका वेट बताया और ये सब. और 3-4 घंटे के बाद मैं ऊपर आई, आई मेट आदि, आई मेट द बेबी, एंड आफ्टर दैट तो इट वॉज क्रेजी. सो ऑल दिस हैज हैपेंड एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेमरीज. हम लोग हॉस्पिटल में थे 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में थोड़े थोड़े जो मेरी मेमरीज थे, मेरी रिकवरी थी, मैं वो सब आपको दिखाना चाहती हूँ. तो लेट्स गो बैक. A round of boggle is one of our favorite games. Usually, I win. Okay. Hello, hello. Sure. Hello. When you play alone, also there's still a doubt if you may win. ठीक है, देखते हैं अभी luck किसके पास है. We are my brother in the house. Last round खेलने वाले हैं. Adi has got 28 points. Which Adi? You. Daddy. Yeah, me. You, sorry, no, you have. He has 15 points and I have 9 points. But still, I have given birth to the baby, so I get 100 points added. Abhi hum last round khelne wale. Let's see what happens, okay? Last round start. That many? I've got 10 words. Adi, Adi, how many words do you have? These many. What? How many words are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. And you? No. I've got 10. How many you have? Around that much only. We are level below, that's all. Slip. Cancel. Sues. Huh? Sues her. I sue him. She S-U? Sues her. Okay. E-S. Okay. Fine. Well, 1 point. Yes. Lisp. L-I-S-P. Oh, well done. Nice. Pile. Cancel. Wait. Pile. Cancel. Piles. Cancel. Pile. Cancel. File cancel. Files. Cancel. Lists. L-I-S-T-S. Cancel. Cancel. Ties. T-I-S. Cancel. 11. Matlab 28 plus 11. Toh mera final score hua 39. Tera?
नो कमेंट्स मेरा मैंने तो बुक ही बंद कर दिया है कोई नहीं गाइस गेम्स आर जस्ट गेम्स यू शुड नॉट टेक दिस थिंग सीरियसली अगर आप जीतते नहीं हो हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा होता है और इसको सीरियसली नहीं लेना गेम अगर तू जीतती ना तो तू बोलती कि गेम्स आर टू बी टेकन सो सीरियसली गेम से पता चलता है कि इंसान का दिमाग काम कर रहा है कितना ये इंटेलिजेंस अच्छा वेरी गुड अभी मैं बंद कर रही हूँ मैं बहुत ही एम्बेरस्ड हूँ क्योंकि दो दिन से मैं सुन रही हूँ वेरी गुड तन्वी तूने बहुत अच्छा किया तू बहुत स्ट्रांग थी अचानक से मैं अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकती तो दिस एंड्स हियर गाइस मोर सून हाय एवरीबॉडी रात के आई थिंक 9:30 हैं और मैं आई हूँ वॉक के लिए कॉरिडोर में आई प्रेफर टू वॉक एवरी नाइट बिकॉज आई वॉन्ट टू हील फास्ट तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आई वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर डिनर एंड आफ्टर एवरी मील ताकि डाइजेशन भी हो जाए एंड थोड़ा अच्छा भी लगे मुझे थोड़ा बाहर का हवा सूंघने को मिले सो दैट्स इट बहुत ही क्यूट है ये हॉस्पिटल देखो इट्स जस्ट वेरी क्यूट यहाँ पे कोट्स है सीइंग्स है यहाँ पे ये सब है क्यूट Day 6. Much better than the other days. We're starting our exercise. छह दिन हो गए बेबी को और there's a small function. I mean, विधि गुजराती यू कॉल इट विधि दैट यू डू बट हम लोग हॉस्पिटल में हैं तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा हम अपने साइड से बेबी के लिए कुछ कर रहे हैं देखो पीछे पूरा प्रिपरेशन चल रहा है आगे कुछ कर रहे हैं नीचे ताकि सब खुश हो बेबी इज खुश अभी बना फंक्शन सबको नहीं बुला सकते हॉस्पिटल में अभी भी है बट एटलीस्ट इतना हम अपने साइड से जितना कर सकते हैं वो कर कल मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई उसके बाद बेबी को थोड़ा सा जॉन्डिस है एंड ही इज़ गॉटन मच बेटर लास्ट दो दिन से ही इज़ बिन अंडर द लाइट एंड थोड़ा क्रैंकी था पहले बट ही इज़ मच बेटर नाउ एंड आई थिंक कल हमें छुटकारा मिल जाएगा हॉस्पिटल से वी कैन गो आउट फाइनली और आई एम वेरी एक्साइटेड घर जाके सब कुछ उसका सेट है ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेट अभी भी करना है एंड ही विल बी फाइनली इन हिज फॉर एवर नहीं लेकिन एटलीस्ट हिज अभी का घर एंड ही विल मीट कैमियो आई एम सो एक्साइटेड फॉर हिम टू मीट कैमियो एंड गूगल तो देखते हैं कैमियो का रिएक्शन भी क्या होता है आई ट्राई माई बेस्ट टू शूट दैट ऑल्सो और आज का दिन आई एम फीलिंग मच बेटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फील हो रहा है थोड़ा पेन है स्टिचेज में आज शायद वो स्टिचेज का नॉट डॉक्टर कट करेंगे बट अदरवाइज हमारे सारे बैग्स भी पैक कर रहे हैं एंड वी आर रेडी फॉर द बिग डिस्चार्ज टुमारो आदि सिटिंग विद द बेबी हाय आदि ये जो पापा लोग हैं ना ये ज़्यादा टाइम बिता पाते हैं आई थिंक बेबी के साथ हॉस्पिटल में हम लोग तो लेटे रहते हैं अपने पेन में खोए रहते हैं जब फीडिंग का टाइम आता है तो फीडिंग करते हैं बट दे आर वेरी मेसमराइज्ड आदि कीप्स लुकिंग एट द बेबी एंड प्लेइंग विद द बेबी मेरा इतना मौका नहीं आया अभी तक शायद घर जाएंगे तब आई कैन डू दैट बट हाँ आई टेक यू गाइज थ्रू टुमारो व्हेन वी आर लीविंग द हॉस्पिटल एंड व्हेन वी एंटर द हाउस बाय फॉर नाउ मैं ऑलरेडी 3 मंथ्स दिख रही हूँ मैं
दीदी आप क्या बनी? We're finally taking him up. Actually, I'm waiting to show you guys his face, but after some time. Chalo, chalte hain upar. एंड बहुत ही अब्रप्ट था क्योंकि इतना ही हम लोग ने शूट किया, बट आई विल नेवर लेट यू गाइज बी डिसअपॉइंटेड. इसलिए ऑब्वियसली अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपने बेबी को देखा होगा, बट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हु आर जस्ट फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट गोना लेट यू गाइज गो डिसअपॉइंटेड. आई एम ऑब्वियसली गोना शो यू द बेबीज फेस, सो हियर इट इज. मुझे देखकर ही मुझे मतलब सब जो देख रहे हैं, जो हमारी फ्रेंड्स रिलेटिव्स है, जो अननोन पीपल भी है, एवरीबॉडी इज लाइक ओ माय गॉड वो तन्वी का कार्बन कॉपी है, ही इज कार्बन कॉपी ऑफ माइन. बस उसके शायद आंखें मेरे से बहुत लाइट है, बट अदरवाइज आई थिंक ही जस्ट लुक्स लाइक मी. एनीवे गाइस, आई एम गोना एंड दिस वीडियो. आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया था. आई ओड यू गाइस दिस वीडियो, आई ओड यू गाइस माय बर्थ स्टोरी, एंड आई कांट वेट टू शेयर द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद यू. यू नो आई सल्यूट ऑल दोज मदर्स जो यूट्यूब पे है, जो पूरा एक महीना या डेढ़ महीना अपना शूट कर सकते हैं. इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ. आई एम जेन्युइनली लाइक हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज आप अपनी न्यू लाइफ स्टाइल, अपनी न्यू लाइफ के साथ इतना एडजस्ट, यू नो एडजस्टिंग मोड पे होते हो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट, टू रिमेंबर टू शूट, बिकॉज यू आर एडजस्टिंग विद अ होल न्यू पर्सन इन योर लाइफ हु इज टेकिंग अप लाइक ऑल ऑफ योर टाइम. तो हाँ, एनीवे आई वुड लाइक टू शेयर कि यू नो आगे के मंथ्स कैसे जाते हैं, व्हाट अबाउट माय ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, ऑल ऑफ दैट मे बी इन अनदर वीडियो, बट दिस वीडियो लाइक आई सेड आई ओड यू गाइस, एंड आई एम सो हैप्पी आई एम पुटिंग अप दिस वीडियो गाइस. Thank you for watching, and give me all the love. I hope to be more regular on YouTube with the baby, but I love you guys. See you soon. Bye.